या लेट्स स्टार्ट। तो हेलो एवरीवन, आज हमारे सामने एक नए गेस्ट हैं, अमरीश शुक्ला। सो ही इज फ्रॉम शिवनादन यूनिवर्सिटी, विच इज इन दिल्ली, बेसिकली इन नोएडा। सो लेट्स स्टार्ट। तो अमरीश भैया, आप अपने बारे में सबसे पहले स्टार्ट करिए। सो प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कि अबाउट योर सेल्फ। हाय एवरीवन, आई एम अमरेश कुमार शुक्ला। आई एम स्टडिंग इन शिवनादन यूनिवर्सिटी हियर इन नोएडा, और मैं केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, फोर्थ ईयर स्टूडेंट। एंड या दैट इज ऑल अबाउट मी। यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। ओके, सो हम लोग जैसे स्टार्ट कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी, सन्यू यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा और डेप्थ में जानने के लिए, तो स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले व्हाट इज द एडमिशन क्राइटेरिया, व्हाट इज द एडमिशन प्रोसेस, कि स्टूडेंट्स वहाँ पे कैसे आते हैं, विद दे कम थ्रू जेई स्कोर और एसएनयू सेट स्कोर और सम अदर क्राइटेरिया इज देयर टू कम देयर। तो वो थोड़ा, इफ यू कैन टेल अस अबाउट दैट, इट वुड बी ग्रेटफुल फॉर द स्टूडेंट्स टू नो। I'll be able to inform you just about myself, how I entered this university. So ओके, basically, I initially filled the form, वो 1900 के आसपास था उसका एप्लीकेशन फॉर्म, और उसके बाद आई चोज बिकॉज आई हैड ग्रेट इंटरेस्ट इन केमिस्ट्री एंड ऑल, सो आई चोज केमिकल इंजीनियरिंग। मैं सबसे से रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट चूज लाइक कि हाँ भाई मेरा पैसन है ऐसा ऐसा करके। यू जस्ट रिसर्च बिफोर ज्वाइनिंग इट और एनी ऑफ द ब्रांचेस। सो इनिशियली मैं तुमको बताना चाहूंगा कि आई गेव माय मेंस एग्जाम, उसमें अच्छा खासा आ गया था, 93 परसेंटाइल था। तो आई डायरेक्टली गॉट द एडमिशन फ्रॉम माय जेई मेंस स्कोर ओनली। अदरवाइज अदर स्टूडेंट्स गेट द एडमिशन थ्रू एसएनयू सेट होता है, एसीटी सेट एग्जाम्स के स्कोर के बेसिस पे। दीज आर सम ऑफ द क्राइटेरियाज। और अभी तो ऐसा कर दिया इन्होंने कि 2-3 टाइम्स यू कैन राइट द एग्जाम्स। अभी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट भी हो चुका है। तो 2-3 टाइम्स कैसा, मतलब जेई का 2-3 टाइम्स यू कैन राइट द एग्जाम्स, और एसएनयू सेट जो होता है उसका, उसकी बात आप कर रहे हैं? तो जेई का तो 2 टाइम्स इन अ ईयर तो है ही, उसका कोई भी किसी भी टाइम का स्कोर कार्ड दे एक्सेप्ट। लेकिन एसएनयू सेट, इफ यू हैव रिटन इट वंस एंड यू हैव नॉट क्वालिफाइड, यू हैव नॉट गॉट द इनफ स्कोर, तो यू कैन अगेन अप्लाई फॉर इट एंड अगेन राइट द एग्जाम। हाँ, तो दूसरी बात कि वहां पे स्कॉलरशिप वगैरह की कोई कंडीशन है, या फिर वी हैव टू पे 18 LPA, सॉरी 18 लाख है ना टोटल 4 इयर्स की भी, समथिंग अराउंड 18-20, कि मतलब उसके बारे में जब थोड़ा मैंने बताओ ज्वाइन किया इस। था ना, हाँ जब मैंने ज्वाइन किया था तो द फी वाज अराउंड लाइक 12 to 18, यू आर ओके, राइट। हाँ लेकिन अभी दे हैव इंक्रीज रेट, स्केल रेट अप, सो दैट इंक्लूड्स योर फूडिंग, योर हॉस्टल रेजिडेंस, लॉन्ड्री, ट्यूशन ओके, फी, ऑल इट सब कुछ इंक्लूड्स नियरली 24 LPA। ओके, नो नो फोर फॉर फोर फोर इयर्स फी हाँ फोर भी, इयर्स या राइट। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे सभी के माइंड में होता है कि कैंपस कैसा होगा, अगर कोई नया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट आ रहा है वहाँ पे, है ना, तो थोड़ा कैंपस की फैसिलिटीज क्या है, ठीक है, कैंपस में इन्वायरमेंट कैसा है, ठीक है, और आप 4 साल, मतलब लास्ट ईयर है आपका वहाँ पे, तो बेसिकली आप कैसा फील कर रहे हैं 4 साल के बाद, और 4 साल में क्या क्या चीजें आपने कैंपस में एक्सपीरियंस किया, थोड़ा इन्वायरमेंट और फैसिलिटीज क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या क्या चीजें वहाँ पे काफी अच्छी हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स को आप एडवाइस करें कि हाँ दे मस्ट फॉलो दोज एक्स्ट्रा करिकुलर, उस फील्ड में जाना चाहें, ठीक है, उसके बारे में। बेसिकली यूनिवर्सिटी इज स्टूडेंट सेंट्रिक, ऑलवेज यूनिवर्सिटी वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स। कभी किसी भी केस में कुछ भी होता है ना, सो दे ऑलवेज प्रेफर स्टूडेंट्स ओनली। एनवायरमेंट की बात करें, इट इज 268 आई थिंक एकर्स ऑफ द कैंपस, एंड इंफ्रा इसका नंबर 1 है भाई, वर्ल्ड लेवल इंफ्रा है। स्टूडेंट्स जो आते हैं ना, वो उनका स्टैंडर्ड भी काफी हाई होता है। देखते हैं कि भाई कई बच्चों ने मेंस में अच्छा स्कोर किया है, एडवांस भी दे के आए हैं बच्चे, तो स्टूडेंट का लेवल भी अच्छा खासा होता है। और यहाँ पर
रेशियो बॉयज वर्सेस गर्ल्स भी ठीक ठाक ही है, मतलब काफी ज्यादा गर्ल्स भी आती हैं। तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, यहाँ पे बहुत सारी क्लब एंड सोसाइटीज हैं जिसमें बच्चे फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स ओनली, उनका ओरिएंटेशन सेशन के टाइम ही बच्चे खुद से लीड लेते हैं, दे रन दीज कमिटीज और जो भी है इनका ग्रुप्स वगैरह, और सारी सारे इवेंट्स वगैरह दे ऑर्गेनाइज बाय देमसेल्फ्स ओनली। सो देर इज अ बेटर स्कोप, यू कैन डेवलप योर सेल्फ पर्सनली एज वेल एज एकेडमिकली। और रिसर्च वर्क की बात करें तो देर इज सेपरेट रिसर्च ब्लॉक, और मेरे केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो हमारा अलग से ब्लॉक भी दिया गया है, एप ब्लॉक है, उसमें फर्स्ट फ्लोर है। सो सोफेस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स भाई, बढ़िया इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतना इतना मुझे नहीं लगता किसी और यूनिवर्सिटी में होगा भाई। और रिसर्च वर्क के लिए भाई इनका एक अलग से है अपॉर्चुनिटी फॉर अंडर ग्रेड रिसर्च वाला प्रोग्राम है। सो उसमें बीइंग इन थर्ड ईयर ओनली, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर और फोर्थ ईयर यू कैन डू योर रिसर्च वर्क, जिसमें लैब्स उनको पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ कोलेबोरेट करके यू कैन डू द वर्क। जैसे मेरा केस है तो आई हैव ऑलरेडी पब्लिश्ड अ पेपर इन इंटरनेशनल जर्नल ऑफ हाइड्रोजन एनर्जी, आई ओह एम वर्किंग ग्रेट ग्रेट गैसिफिकेशन प्रोसेस पायरोलिसिस एंड ऑल, और ऑल्सो बीइंग इन थर्ड ईयर लाइक सेवन सेमेस्टर एट सेमेस्टर यू हैव माइनर प्रोजेक्ट्स मेजर प्रोजेक्ट्स, सो उसमें तुम्हारा मंथली और मिड टर्म एंड टर्म प्रेजेंटेशंस होते हैं। उन प्रेजेंटेशंस में फॉर एग्जाम्पल इन माई डिपार्टमेंट देर आर 10 to 11 प्रोफेसर, सो ऑल द प्रोफेसर सिटिंग इन एंड यू विल बी द ओनली वन हु विल बी प्रेजेंटिंग योर वर्क व्हाट एवर यू हैव डन, एंड एट एवरी पॉइंट इन एवरी स्लाइड दे विल बी आस्किंग यू सम क्वेश्चंस। सो इन दैट वे दे ग्रिल यू अलॉट दैट यू बिकम सो वेल स्पोकन, यू आर सो कॉन्फिडेंट दैट यू आर एबल टू स्पीक एट एनी ऑफ द प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी गया था कॉन्फ्रेंस, इट वॉज ऑर्गेनाइज बाई आई आई सी एच ई द्वारा इन कोलकाता। सो उधर मैं गया, मैंने देखा कि आई वॉज एबल टू डिलीवर माई सेल्फ बेटर देन एनी वन लाइक अदर पीपल ऑल्सो, पी एच डी स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर्स भी थे। सो दैट इज वेरी बिग एडवांटेज ऑफ स्टडिंग इन शिवनाडे यूनिवर्सिटी। टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, अभी के लिए चार एकेडमिक ब्लॉक्स हैं, ए बी सी डी, ई ब्लॉक भी आएगा धीरे धीरे एज पर दी रिक्वायरमेंट, जैसे स्टूडेंट नंबर बढ़ता है। एक्चुअली ई ब्लॉक तो हम लाइब्रेरी ब्लॉक को ही कहते हैं, अदरवाइज देर इज स्पेस, उधर अलग से ब्लॉक्स भी डेवलप करेंगे। और देर इज सी डी सी टीम विच इंश्योर्स द प्लेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एज वेल एज दे प्रिपेयर फॉर अ कंप्लीट ईयर, लाइक सो दैट बच्चे एप्टीट्यूड में अच्छे हो जाएं, दे आर एबल टू स्पीक इन लाइक इन इन इंटरव्यूज, दे आर एबल टू प्रेजेंट देमसेल्व्स। सो ओवरऑल भाई इधर काफी अच्छा है, इधर फेस्ट भी होते हैं, जैसे ब्रीज इवेंट है, सर्ज है, स्पोर्ट्स की तो काफी बड़ी फैसिलिटी, मतलब बहुत ज्यादा भाई फोकस करते हैं ये स्पोर्ट्स वगैरह पे। सो अगर तुम देखोगे तो अपना खुद का इंटर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स वगैरह भी होते हैं, यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स होते हैं, सर्ज एक अलग से इवेंट ही है पूरा स्पोर्ट्स के लिए। और इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो इंटर स्पोर्ट्स जो कॉरिडोर ये बना रखा है पूरा कॉम्प्लेक्स पूरा, उधर हर एक तरीके से तुमको मतलब बास्केटबॉल का भी ग्राउंड अच्छा खासा है, इधर जिम भी काफी बड़ा है ना, तो आई एम रेगुलर पर्सन इन जिम, जाता वाह रहता हूँ। गुड, हाँ फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देते हैं आप। सही हाँ है, ठीक है। हाँ तो ये था। तो और फैसिलिटी में जैसे मेस का फूड कैसे क्या होता है? ठीक है, बहुत सारे लोग थोड़ा फूड देख के आते हैं कुछ यूनिवर्सिटी में, मतलब वो भी एक तरह से ऑप्शन भी रखते हैं कि यहाँ खाना अच्छा मिलेगा या नहीं। और रूम्स वगैरह अगर बात करें तो एसी रूम्स क्या, मतलब सभी सभी रूम्स में एसी रूम और हीटर रूम अवेलेबल है कि वी हैव टू गिव एक्स्ट्रा मनी समथिंग, तब वो हमें मतलब वी कैन अफोर्ड फॉर दैट, तो ऐसा कुछ है अगर तो? एंड हाउ मेनी पीपल या स्टे इन वन रूम, ऐसा क्या एकोमोडेशन है? जैसे हम लोग वीजी में थे, वहाँ पे अराउंड 6 स्टूडेंट्स थे या 4 स्टूडेंट्स बाद में हो गया था, तो ऐसा करके वहाँ पे एसएमयू में क्या कैसा क्या सीन है?
टॉकिंग अबाउट दैट कैफेटेरिया डीएच वगैरह का जो रेगुलर बफेट में बच्चे यूज करते हैं, तीन हमारे यहाँ इधर डीएच हैं, मेस है, DH1, DH2 एंड नया एक खुला है जो कि फुली एयर कंडीशनड है, DH3। इसमें सोडेक्सो अभी कंपनी है जो कि सर्व करती है बच्चों को, और काफी मतलब कोई भी अफोर्ड कर सकता है, ऐसी प्राइजेस होती हैं फूड की, जैसे 70 रुपीज पर मील, लाइक लंच और डिनर का 70 रुपीज है अराउंड, और ब्रेकफास्ट का 35.6, और अनलिमिटेड यू कैन हैव वॉट एवर ओके गुड थिंग्स आर देयर। और अबाउट द हॉस्टल्स, हॉस्टल्स तो भाई यार बहुत तगड़े हैं हॉस्टल रूम्स, मतलब अभी नए हॉस्टल्स जो डेवलप हुए हैं, यू कैन टेक सिंगल रूम्स ऑल्सो। हाँ, लेकिन इनकी प्राइसिंग मतलब बढ़ा दी है, जैसे पर एनम का जो रेगुलर हॉस्टल्स हैं ट्विन शेयरिंग वाले, उनमें 1 लाख के आसपास देना होता है फी, दैट इंक्लूड्स योर लॉन्ड्री, योर स्टे एज वेल एज फूड ऑल्सो। ओके गुड और बढ़िया अगर सिंगल रूम लेते हो, जैसे मेरा सिंगल रूम है, तो इनिशियली इन्होंने 1.5 लाख के आसपास रखा था, लेकिन व्हेन स्टूडेंट रिक्वेस्टेड देम, जैसे मैंने पहले ही बोला दे आर स्टूडेंट सेंट्रिक, सो व्हेन स्टूडेंट्स रिक्वेस्टेड देम दे रिड्यूस्ड इट अराउंड 1.38 के आसपास। सो अच्छा है भाई, एसी फुल टाइम यू कैन यूज विदाउट, लाइक जैसे सिंगल रूम में रह रहे हैं तो तुमको इलेक्ट्रिसिटी बिल का नहीं सोचना है, यू कैन यूज द एसी फुल टाइम 24x7। ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन है कि कॉमन वीक डे आपका कैसा जाता है, कि कितने बजे उठना, कितने बजे क्लासेस स्टार्ट होती है, कितने टाइम तक स्टार्ट होती है ना, हेक्टिक कब लगता है, एग्जाम टाइम में ज्यादा प्रेशर आता होगा है ना, कि मतलब नॉर्मल एवरी डे आपका जब भी क्विज होता होगा कुछ भी तो हेक्टिक लगता होगा, तो वो नॉर्मल वीक डे आपका कैसा होता है, और दूसरा आपका जो वीकेंड्स होते हैं, ठीक है, तो वीकेंड्स में हो सकता है स्टूडेंट्स आस पास जाते हो, जैसे दिल्ली नियर बाई है तो दिल्ली घूमने निकल जाते होंगे, लॉन्ग वीकेंड मिलता है, तो वो सब कैसी क्या फैसिलिटीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है कैंपस के आसपास, उस दैट वुड लाइक टू नो। एक्चुअली यहाँ क्लासेस ऐसा नहीं है कि दे विल स्टार्ट फ्रॉम 7 और 9 o'clock एंड विल गो फॉर 5 o'clock, ऐसा नहीं है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल है। कोई कुछ कुछ क्लासेस 8 बजे से 9 बजे भी होती हैं, कुछ क्लासेस अकॉर्डिंगली यू कैन सेलेक्ट इन योर ERP, कुछ क्लासेस होती हैं 11 से 1 के टाइम पे, और कुछ कुछ क्लासेस जो ट्यूटोरियल क्लासेस होती हैं वो 5 से 6 इवनिंग क्लासेस भी होती हैं। तो ये तो फ्लेक्सिबल है भाई टाइमिंग, बट यू हैव टू कवर सर्टेन लाइक पॉइंट्स, जो ग्रेड पॉइंट्स हैं उसको तुमको कवर करना है भाई। जैसे फॉर केमिकल इंजीनियर टू गेट अ डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग यू नीड टू कंप्लीट एटलीस्ट 162 पॉइंट्स, सो उस हिसाब से हाँ, तुमको कोर्स। तो ये पॉइंट्स जो होते हैं, इट इज बेस्ड ऑन योर अटेंडेंस पॉलिसी, कैसी पॉलिसीज पे बेस्ड हैं पॉइंट्स? नहीं, पर सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल मेरा केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग का कोर्स है, सो दैट इज 3 पॉइंटर कोर्स, 3 पॉइंटर यानी ओके 3 आवर्स इन अ वीक विल बी देयर। हाँ, ओके मीन्स क्रेडिट्स, हाँ हमारे यहाँ वो क्रेडिट्स होते हैं, ओके गॉट इट। टीचर्स वो क्रेडिट्स होंगे, सो उसी के बेसिस पे हमारा GPA सिस्टम भी है। फॉर एग्जाम्पल समवन स्कोर्स 98% एंड अदर पर्सन स्कोर्स 90%, सो अभी उसका क्या होगा कि 90 से 100 के बीच में जैसा नॉर्मल GPA पॉइंटर्स चलते हैं उसी हिसाब से उसको 10 पॉइंटर्स दिया जाएगा, सो अकॉर्डिंगली। और फिर वीक डेज जो मोस्टली सैटरडे ऑफ होता है, संडे भी ऑफ होता है, और हॉलीडेज, सारे हॉलीडेज ये हर एक रिलीजन को प्रेफर करते हैं, सो मोस्टली जो रेगुलर नेशनल हॉलीडेज होते हैं वो भी हॉलीडेज इधर रहते हैं, तो संडे और सैटरडे भी ऑफ रहता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का। तो बच्चे प्लान करते हैं कि हाँ कोई ट्रिप करते हैं दिल्ली या फिर नियर बाई प्लेसेस पे, अदरवाइज सैटरडे शाम को, फ्राइडे शाम को ही बच्चे नाइट आउट के लिए जाते हैं भाई, पूरी रात के रात बाहर ही, एक पिलो ले लेंगे, बाहर ही मस्ती करेंगे, नाचेंगे कूदेंगे और अपना साउंड सिस्टम अलग से रखेंगे, ठीक है, हाँ इन दिस कॉमन है वे। भाई। हाँ, और 5-6 बच्चों का ग्रुप बना लेंगे तो एक साथ दे विल बी डिस्कसिंग देयर स्टफ ऑल्सो, और
कुछ लोग ऐसा होगा कि ओपन माइक टाइप का, चल भाई तू आज कुछ कॉमेडी करके दिखा, ऐसा है ना। तो इन दिस वे दे आर डेवलपिंग देमसेल्व्स एज वेल पर्सनली। सो पर्सनालिटी डेवलपमेंट में यार ये काफी अच्छा है ओवरऑल भाई, इंटरडिसिप्लिनरी है तो फिर अच्छा ही है। तो काफी अच्छा है। ठीक है, तो लास्ट एक ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इंटर्नशिप वगैरह का क्या, कैसे क्या सीन होता है, और आप जैसे सेकंड ईयर में कुछ कॉलेजेस में होता है कि स्टूडेंट्स को मतलब एक तरह से अंडर प्रोफेसर या फिर कहीं और इंटर्नशिप दे कर इनके टीचरिंग, तो ऐसे न्यू में इंटर्नशिप वगैरह का कैसा क्या सीन है, मतलब समर इंटर्नशिप कितने मंथ की वहाँ पे ऑफर होती है, और क्या मतलब इजिली स्टूडेंट्स दे कैन गेट की कंपनी जाती होंगी, बाहर से कुछ कंपनी जाती होंगी है ना इंटर्नशिप वगैरह के लिए, फिर बाद में प्लेसमेंट के लिए भी आती हैं, तो वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए कैसा क्या है? इंटर्नशिप्स के लिए भी जैसे गोल्डमैन सैच वगैरह आती हैं, या फिर डिफरेंट तमाम रिसर्च इंटर्न बेस्ड इंटर्नशिप भी होती हैं। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग में अभी IISc बेंगलोर से आया है कि हाँ बच्चे समर इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो काफ़ी बच्चों ने, थर्ड ईयर के बच्चों ने अप्लाई किया है। दैट इज वन ग्रेट अपॉर्चुनिटी हियर। अदरवाइज इफ यू आर नॉट गेटिंग सम इंटर्नशिप आउटसाइड, although they are not keeping any compulsory internship stuff here, but if you are not getting any internship outside, you can do work in labs also. Your labs में summers में रुक के, and most of the department fund that thing. Summer में अगर रुक रहे हो तो they'll be funding you. और research work you can do. Also उस अगर research work तुमने अच्छा खासा किया, you have some papers, so you can go for higher studies. इनके काफी ज्यादा मतलब पैचअप्स हैं कि हाँ भाई बाहर भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है बच्चों का। अभी कुछ समर स्कूल का भी इनका एक प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, मुझे तो इतना ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं है अभी, क्योंकि आई एम फाइनल ईयर और दे हैव स्टार्टेड इट न्यूली। सो उसमें ऐसा है कि तुम समर्स में दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाके भी यू कैन डू सम क्रेडिट वर्क एंड दे विल बी कन्वर्टिंग इट। ये तो काफी सही है, अच्छा भी है। हाँ, तो वहाँ पे काफी मतलब डाइवर्सिटी है, ऐसा नहीं कि साइंस पार्टिकुलर साइंस स्ट्रीम के लिए है ना, बीए के भी कोर्सेज होते हैं, बीएमएस के कोर्सेज होते हैं, बायो के भी कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा जैसे हर कॉलेज में होता है कि पार्टिकुलर कोर्स के लिए वो कॉलेज ज्यादा फेमस होता है ना, तो एसएमयू में क्या ऐसा कुछ है कि हाँ अगर मतलब स्टूडेंट्स आते हैं तो ये कोर्सेज एक तरह से ज्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं, ठीक है, ज्यादा प्रिफर्ड किए जाते हैं स्टूडेंट्स के द्वारा, ऐसा कुछ है जैसे सीएसई है वहाँ पे कंप्यूटर साइंस, ठीक है, तो उसका हो सकता है पैकेज के हिसाब से स्टूडेंट्स उसको ज्यादा प्रिफर करते हो है ना, तो क्या ऐसा कोई सीन वहाँ पे भी है ऐसा कि स्टूडेंट्स को इफ यू उसी वॉन्ट ब्रांच में टू जाना लाइक चाहिए? इफ यू वॉन्ट टू हैव लाइक अभी जॉब करना है बीटेक के तुरंत बाद ही, एंड इफ यू वॉन्ट टू हैव अ गुड पैकेज, तो भाई सीएस इधर का काफी अच्छा है। इनका एवरेज पैकेज वगैरह 12-12 का है। और हाँ, दैट इज इस गुड। हाँ एक एक बच्ची ने ऑफ कैंपस भी अमेजन में अप्लाई किया था, ऑल्दो अमेजन इस बार आया नहीं, उसमें 50 लैक्स का है उसका लगा। और एक का तो अभी 23 लैक्स का लगा है, मेरा दोस्त ही है उसका 12-13 लाख का लगा है। सो मोस्टली ज्यादातर लोग प्लेस हो गए हैं। टॉकिंग अबाउट माय ओन डिपार्टमेंट, हम 17 हमारी स्ट्रेंथ है, जिसमें से आई थिंक ओनली दो बच्चे बचे हैं जो प्लेस नहीं हुए हैं। 5-6 बच्चे लोहियम में गए हैं, और आई माई सेल्फ और दो मेरे और दोस्त टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग में प्लेस्ड हैं। रिलायंस भी इस ग्रेट। बार आई थी, तो मतलब काफी अच्छा है। एक बच्चा उसमें गया है, सीवेंट में गया है अभी। सो देख सकते हो 17 में से 15 प्लेस्ड हैं ऑलरेडी, और उसमें से उन 17 में से शायद एक बच्चा अभी उसको मिला है हायर स्टडीज के लिए, ही वॉन्ट्स टू गो, अंशु है तो उसको मिला है ट्यूडल। वो भाई काफी अच्छा है ना हाँ सही, और काफी प्लेसमेंट ढेर का। और सारी कंपनीज भी आती होंगी, काफी हाँ रिनोम्ड हाँ कंपनीज बेसिकली। हाँ काफी कंपनीज आती हैं। अगर बेसिकली इफ समवन वांट्स टू लाइक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट वाइज अगर कोई जाना चाहता है कि हाँ भाई कौन सा डिपार्टमेंट काफी अच्छा है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर नेचुरल साइंसेस का काफी ज्यादा स्कोप है भाई। काफी अच्छा रिसर्च वर्क वगैरह लोग करते हैं यहाँ से, काफी रिनाउंड प्रोफेसर भी मिल जाएंगे तुमको, हुआ वर्क अ पार्ट ऑफ
साइंटिस्ट सोसाइटी, ब्रिटिश फेलोशिप वगैरह लोगों के पास भी है। सो नेचुरल साइंस डिपार्टमेंट एक तो काफ़ी अच्छा है, बायोटेक वगैरह बच्चे करते हैं। दूसरा सबसे अच्छा जो यहाँ पे लोग मानते हैं और फिर बच्चे अच्छा कर भी रहे हैं वो इकोनॉमिक्स है। ऑल्दो आई हैव ऑल्सो डन माइनर इन इकोनॉमिक्स, सो मुझे लगता है प्रोफेसर भी काफ़ी अच्छे हैं उसमें। मतलब उनको उनको बुक्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती भाई, वो ऐसा लगता है कि वो लिखते हैं, लर्नर्ड हैं इतने ज़्यादा। और केमिकल इंजीनियरिंग भी काफ़ी अच्छा कर रहा है इस समय, तो ये भी काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट है। अपने डिपार्टमेंट का तो बुरा वैसे भी नहीं बोल सकता है। सही बात है। चलो लास्ट लास्ट एक सबसे लास्ट क्वेश्चन है, ये ऐसे कैजुअल क्वेश्चन जैसे कि लाइक इवेंट्स, कल्चरल इवेंट्स वगैरह होते रहते हैं ना कैंपस में। तभी होली आ रही है ना, तो होली में क्या कैसे क्या होता है कि मतलब बच्चे क्या क्या करते हैं होलियों में, स्कूल की तरफ से कितनी क्या फ्रीडम होती है, कैसे क्या एंजॉय करते हैं? फ्रीडम का अगर सही मतलब अगर तुमको ढूंढना है तो कम टू एसएनयू भाई, पक्का तुमको फ्रीडम तो पक्का दिखेगा इधर ना। तो कोई भी तुमको रोकने के लिए नहीं है भाई, कुछ भी चप्पल में जा रहे हैं बच्चे क्लास में, ठीक है, और कुछ भी पहन के घूमो किधर भी, कोई भी भाई नहीं टोकेगा तुमको। कितनी सही भी रात में निकल जाओ किधर भी, इधर तो अभी कैफे वगैरह भी काफी अच्छे खुले हैं। नवीन भैया का भी टी स्टॉल है और नया एक्टिविटी एरिया डेवलप हुआ है उधर अलग तो से, ये टीगर कैंपस के अंदर ही है का। ना, अलाउड होगा हाँ ऐसा? हाँ सब कुछ सब हाँ। कुछ, ये रेजिडेंशियल कैंपस है ना तो टोटल सब कुछ भाई। ऑल्दो अगर तुम्हारे पास भाई, इफ योर पेरेंट्स आर वेल ऑफ देन यू हैव एवरीथिंग टू डू हियर ब्रो, भाई काफी अच्छा है इधर तो। हाँ, तो होली का पूछा था, तो होली में कैसे क्या हाँ होता है? होली का, हाँ सॉरी सॉरी। हाँ सो होली का तो जैसे बोलते हैं ना कि एग्जाम देना पन्ना फाड़ वाला, ऐसे होली हाँ खेल पन्ना फाड़ वाला भाई। होली में तो भाई ये लोग रंग भी प्रोवाइड करते हैं, पानी वगैरह का भी होज वगैरह रेडी रखते हैं, म्यूजिक सिस्टम भी पूरा तैयार रहता है भाई, और ठंडाई वगैरह भी रखते हैं ये लोग, स्टूडेंट्स ही करते हैं पूरा, अच्छा ठीक है, अच्छा गुजिया वगैरह भी रहता है ना, तो बच्चे काफी इंजॉय करते हैं भाई, सब बहुत मजा आता है। और अगर फेस्ट की बात करें तो ब्रीज इवेंट होता है, ब्रीज इवेंट हाँ 4 से 5 दिन चलता है, इसमें काफी ज्यादा मतलब एक्टर्स वगैरह भी आते हैं, जो तमाम म्यूजिशियंस आते हैं वो लोग भी प्रेजेंट करते हैं, डीजे नाइट वगैरह रहता ही है, साइलेंट डीजे रहता है। तो अभी रिसेंट में हुआ था वैसे ब्रिज, अराउंड इट्स बीन अराउंड हाँ अभी एक अभी अभी अराउंड ना। जल्दी मैंने हाँ, काफी अच्छा रहता है। चलो 2.5 से 3 घंटे भाई डांस किए थे, और फिर उसके बाद पैर वैर खूब दुख रहा था, लेकिन फिर मजा तो आता अलग ही। भाई सही है सही। एक और ये, जैसे आपका कैंपस काफी बड़ा है, 268 एकर्स हाँ काफी बड़ा है ना। हम लोग कभी विजिट किए थे, तो बस काफी अंदर तक बस जाती है ना कैंपस के अंदर। तो वैसा क्या आप लोगों का, जैसे दूर दूर होगा हॉस्टल, फिर हॉस्टल से कैट ब्लॉक जाओ है ना, दूर लगता होगा, तो वो कैसे क्या है कि साइकिल्स वगैरह तो होंगे स्टूडेंट्स के पास, का कैंपस की भी होती है, तो हाँ मतलब साइकिल्स तो वो नहीं लगता बच्चों के कि यहाँ पास टाइम कैसे, ज्यादा हमारा जा रहा है भाई, चल के जाने में इतना दूर, ऐसा कुछ? ना भाई यार देखो इतना मस्त कैंपस है ना, इस टाइम अगर तुम आओगे तो देखोगे चारों तरफ फ्लावर्स इतने अच्छे हैं भाई, चिड़िया चारों तरफ, और ये लोग इतने ज्यादा सेंसिटिव, बच्चे भी सेंसिटिव हैं, कैंपस वाले भी सेंसिटिव हैं, डॉग्स के लिए अलग से इनका वेट्स हैं, अलग से लोग इनको फीड करते हैं, ऐसा नहीं है, उनका अलग से एरिया बना रखा है। और बच्चों के पास साइकिल्स भी हैं, वो भी साइकिल से जाते हैं, अदरवाइज यूनिवर्सिटी का साइकिल भी है, और ई व्हीकल्स भी हैं, ठीक है, गोल्फ कार्ट वगैरह है, और इसका ई ई बस भी चलता रहता है, तो हर टाइम पे तुमको 2 मिनट लगेगा तुम पहुंच जाओगे, और काफी दूर नहीं है ब्रो, ये 500 मीटर होगा ज्यादा से ज्यादा हॉस्टल से, 500-800 मीटर्स तो। और ज्यादातर बच्चे तो लाइब्रेरी वगैरह में रहते हैं, लाइब्रेरी काफी बड़ी है भाई, सारी बुक्स तुमको मिल जाएंगी उधर, वर्ल्ड लेवल की लाइब्रेरी दिखती है भाई, ग्रैंड है वो, अलग ही लेवल लाइब्रेरी तो का है नेक्स्ट ना। लेवल है, मैंने भी गया हाँ देखा। नेक्स्ट, यू कैन शेयर फ्रॉम योर हाँ साइड। हाँ दोज पीपल हु आर मोर इंटरेस्टेड इन एनवायरमेंट स्टफ, कि हाँ भाई कुछ मतलब ऐसा चाहिए कि हाँ ओपन सा हो, एनवायरमेंट अच्छा खासा हो,
इन्वायरमेंट इन द सेंस नेचुरल ब्यूटी नेचुरल ब्यूटी। हाँ काफी हाँ अच्छा है भाई। नेचुरली एक लेक है उधर, माइग्रेटरी बर्ड्स इस समय बहुत सारी हैं, तो फोटोग्राफी वगैरह के लिए काफी अच्छा है। साथ ही साथ यहाँ पर काफी एरिया जो वाइल्ड की तरह पड़ा हुआ है, उसमें तुमको नील गाय वगैरह दिख जाएंगी, साथ ही साथ वाइल्ड डियर और तुमको बोर्स वगैरह भी दिख जाएंगे ना। सो इन लोगों ने मतलब, और मोर वगैरह तो काफी भाई बहुत अच्छा लगता है अगर उस एरिया में जाए, पीपल का पेड़ वगैरह है। और यहाँ पर घोड़सवारी भी सिखाते हैं बच्चों को, घोड़े भी हैं उधर, अस्तबल वगैरह है। तो यार काफी अच्छा इन लोगों ने मेंटेन कर रखा है। मुझे नहीं लगता कोई और यूनिवर्सिटी या कोई और कैंपस ऐसा होगा, हाँ बिकॉज ये तो मैं बहुत गया भी नहीं यूनिक हूँ। चीज है, बहुत यूनिक हाँ, चीज है। अगर अगर किसी बच्चे का एडवांस नहीं क्लियर हुआ है और ही इज वेल ऑफ, सो IIT बॉम्बे, IIT गांधीनगर जैसा एक्सपीरियंस आप इधर पा सकते हो इन्वायरमेंट के हिसाब से। एकेडमिकली वो तो उतना ज्यादा कंपटीशन है नहीं, बोलते हैं ना कि एनर्जी भाई जितनी है ना, अगर तुमने खेलने में लगा दी तो एकेडमिकली उतना अच्छा नहीं कर पाओगे। तो वही है भाई, ओवरऑल डेवलपमेंट देखते हैं तो एकेडमिकली भी मतलब टोटली बच्चे काफी अच्छा नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ही केस लिया जाए, मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि यार टॉपर बनूं, लेकिन फिर एवरेज ही रह गया, अरे कोई नाइन और जीपीए के आसपास ही है। सही ऑल्दो है मैं काफी। हर बार मैं डीन्स लिस्ट में भी आया हूँ, लेकिन इट रेट नेवर यार नहीं, कॉम्पीट अगर मैं करूंगा किसी IITian के साथ, सो मुझे लगता है कि थोड़ा पीछे रह जाऊंगा, क्योंकि यार उतना ज्यादा मैंने फोकस नहीं किया स्टडीज पे ना। सो अगर कोई स्टडी के पर्पज से ही आ रहा है तो फिर लाइब्रेरी इज ओपन फॉर हिम 24x7। तो ऐसा क्या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि क्लास बंक करके फिर बंदा अगर सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस्ड करता है, ऐसा कुछ है कि अटेंडेंस कंपलसरी है, जाना पड़ता है क्लास में, मैंडेटरी है, ऐसा कुछ सीन है? ऐसे नहीं होगा। हाँ ब्रो, लाइक अभी तो रखा है 75% अटेंडेंस कंपलसरी, और एग्जाम्स के टाइम पे जब बच्चे ज्यादा फोर्स करते हैं सर नहीं ऐसा नहीं करना है, सो दे रिड्यूस इट टू 65 नियरली। फोर्थ ईयर वालों के लिए तो 50 है भाई, तो हमारे तो सही मजे ही मजे हैं, वी आर एंजॉइंग द कैंपस लाइफ। प्लेसमेंट है, प्लेसमेंट भी हो रखे हैं, ज्यादा दिन भी नहीं बचे भी हैं, मैक्सिमम के हो रखे हैं। वही हाँ मजे कर रहे हैं एकदम बढ़िया। बस पूरे मजे। चलो अच्छा लगा काफी। और भी कोई चीजें अगर इंटरेस्टिंग हो आप बताना चाहो, ठीक है, स्टूडेंट जो आने वाले हैं, ठीक है, तो उनके लिए यू कैन शेयर, अदरवाइज यार थैंक यू सो मच। दोज स्टूडेंट्स हु आर नॉट वेल ऑफ, हु कांट पे 24 लैक्स, और ऑल्दो देयर इज अ स्कॉलरशिप, रूरल स्कॉलरशिप है जिसके थ्रू बच्चे आते भी हैं, दे प्रोवाइड फुल स्कॉलरशिप, 100% स्कॉलरशिप, ट्यूशन फी, हॉस्टल फी वगैरह भी, सो यू कैन अप्लाई फॉर दैट, लेकिन उसमें होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अदरवाइज इफ यू आर नॉट गेटिंग थ्रू दैट वे और यू आर नॉट वेल ऑफ, सो आई विल से यू प्रिपेयर अगेन फॉर JEE एडवांस एंड मेन्स एंड गो टू IIT बॉम्बे, IIT गांधीनगर टू एंजॉय सच काइंड ऑफ एक इन्वायरमेंट ब्रो। चलिए काफी अच्छा लगा आपसे बात करकर, ठीक है, सच में काफी अच्छा हेलो लगा। और एक तरह से नाइस प्लेटफॉर्म मैं सोच रहा हूँ क्रिएट हो जाए, मतलब बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल होता है ना, कि आपके कैंपस के बारे में जानने, मेरे कैंपस के बारे में जानेंगे, ठीक है, दूसरे कैंपस, तो एक तरह से उनको ये लगेगा कि हाँ भाई इस ये कैंपस ज्यादा सुटेबल है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट ज्यादा लाइज करता है इस एरिया में या इस जगह में, ठीक है, तो उस वजह से ये नाइस प्लेटफॉर्म मैं सोच रहा हूँ कि ट्राई करते हैं। हम लोग थोड़ा लैग करते थे ये सब चीजों से, है ना, इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि ठीक है कॉलेज वगैरह के बारे में जितना है, तो उस हिसाब से देखकर मैं ये स्टार्ट सर, किया। अच्छा काम कर रहा है इस हिसाब से, अच्छा काम है ये, हाईली अप्रिशिएबल है ब्रो, चलिए काफी अच्छा है ना, करता थैंक रहे ऐसा ही भाई। यू, ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू चलो। वेरी